डिफेंस में होने वाली 3.25 करोड़ रुपए की डकैती का ड्रॉप सीन, 3 बैंक मुलाजमीन समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार, 2.85 करोड़ रुपए मालियत के तलाए जेवरात और असलहा बरामद, DIG इन्वेस्टिगेशन, अतर इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि मुलजिमान यरगमाल शहरी की रकम जाली अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे, एक माह में कत्ल, अगवा और डकैती में मुलविस 69 मुलजिमान गिरफ्तार किए हैं, तावान के लिए अगवा होने वाले 5 साला अली अहमद को भी बाजियाब करवाया गया। मौसम में तब्दीली के साथ ही लेस्को की बिजली की तलब भी कम हो गई, बिजली की तलब 2975 मेगावाट रह गई, लेस्को को 75 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना, तर्जमान लेस्को का कहना है कि शॉर्टफॉल ना होने के बायस शेड्यूल के मुताबिक भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वजीर पार्लिमानी उमूर राजा बशारत से कनेडियन सफारतकारों के वफद की मुलाकात, इंसानी हकूक और अकलियतों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से भी गुफ्तगू। डीसी लाहौर का मियानी साहब कब्रिस्तान का दौरा, डीसी मोहम्मद अली की कब्रिस्तान में दरख्तों को तराशने की हिदायत, मियानी साहब कब्रिस्तान में डेंगू सर्विलेंस का भी जायजा लिया गया। फिरोजपुर रोड के सनअतकारों के वफद की असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन सोनिया सदफ से मुलाकात, डेंगू और स्मॉग की रोकथाम के लिए इकदामात पर गुफ्तगू, एसी मॉडल टाउन ने फिरोजपुर रोड की सनअतों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। और होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में BS प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज, 20 से ज्यादा मजामीन में दाखिले होंगे, दाखिलों के लिए फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर, तालिबात रेगुलर और सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग फॉर्म जमा करा सकती हैं।